अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, सब्जेक्ट इस्लामियात, लेक्चर 9th लेक्चर में सबसे पहले आप पेज नंबर 91 ओपन करें। पेज नंबर 91 है आपका बाबे चहारम इखलाक व आदाब। इखलाक, अब इखलाक किसे कहते हैं? एक इंसान के अंदर जो अच्छी सिफात होनी चाहिए, जैसा कि सच्चाई, ईमानदारी वगैरह, और जिन आदतों से इंसान को पाक और साफ होना चाहिए, जैसा कि झूठ और गीबत वगैरह, इनको इखलाक कहते हैं। ठीक है, इखलाक की मैंने आपको तारीफ बता दी है। आदाब किसे कहते हैं? कि इस्लाम ने हमें जो रहने सहने के और खाने पीने के जो उसूल बताए हैं, उनको आदाब कहते हैं। ठीक है, आदाब कहते हैं। अब हम बाबे चहारम इखलाक व आदाब, इसका सबक नंबर 5 आज पढ़ेंगे, शुक्र। ठीक है, कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए। शुक्र का एक तरीका ये भी है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम कहेंगे तो अल्लाह ताला इससे खुश भी हो जाते हैं, बेहद खुश होते हैं, और हमारी नेकियां भी बढ़ा दी जाती हैं। और अगर हमें कोई फ़ायदे की बात बताए, या हमें फ़ायदे का हमारी कोई बात हमसे पूछे, या हमें कुछ अच्छा लगे, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अगर हमसे कोई हमारा हाल पूछे, तब भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हाँ बस हम ठीक हैं, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कहकर। ठीक है, इसका मायने है तमाम तारीफें अल्लाह की हैं। अब हम इसके सवाल जवाब पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 में है आपका मुख्तसर जवाब लिखें। सवाल नंबर 3 में है आपका, सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करने का एक तरीका लिखें। ये इसका जवाब नंबर 1 मैंने लिखा है। शुक्र का एक तरीका यह है कि अल्लाह ताला की हर दी हुई नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। ठीक है, अल्लाह ताला की हर दी हुई नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह के क्या मायनी हैं? तमाम तारीफें अल्लाह ताला की हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह का मायनी है। जवाब नंबर 2 है, तमाम तारीफें अल्लाह ताला की हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कहने के 2 फ़ायदे लिखें। अल्हम्दुलिल्लाह कहने के कौन से 2 फ़ायदे हैं? पहला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। और दूसरा फ़ायदा इसका क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने से नेकियां मिलती हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से क्या होता है, हमारी नेकियां बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यह आपने कालम अलिफ को बे के साथ मिलाना है। पहला देखें, हमें हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सेकंड है इसका, बेहतरीन दुआ कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। थर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह के मायने क्या है? अभी मैंने आपको इसमें बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह के मायने हैं, तमाम तारीफें अल्लाह की हैं। फोर्थ है इसका, अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए, अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। ये हो गया आपका कालम अलिफ और बे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह आपने पूर करनी है। पहली है, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का डैश अदा करना चाहिए। क्या अदा करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, ये इसका पहला हो गया, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरा है, बेहतरीन दुआ डैश है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। तीसरा देखें, जब भी कोई खुशी या फ़ायदे की डैश की बात हो तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। यहाँ पर आएगा फ़ायदे, जब भी कोई फ़ायदे की बात हो तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। फोर्थ देखें, हम बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहकर डैश को खुश करते हैं। किसको खुश करते हैं? अल्लाह ताला को। ठीक है, हम बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला को खुश करते हैं। अब तो क्लास आपने क्या करना है, सबसे पहले पेज नंबर 91 की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। पेज नंबर 91 और 92, यहाँ तक आपने इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, और इसमें आपको पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें किस किस बात पर कहना चाहिए, कैसा कहना चाहिए, और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। ये आपने अच्छी तरह इसके लिए रीडिंग करनी है, और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाए हैं, इनको आपने अपनी कॉपीज़ और बुक्स पर लिखना है, और इनको अच्छी तरह से याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।